बनी अपडेट डिजिटल न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। 10 साल के एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 10 दिन के बाद बनी विधानसभा क्षेत्र में जनता वोट डालने जा रही है, तो वहीं पॉलिटिकल प्रचार की सरगर्मियां भी दिन ब दिन तेज होती जा रही है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की प्रत्याशी मास्टर गौरी शंकर लोगों से घर घर जाकर मिल रहे हैं और इसी दौरान भारी संख्या में लोगों ने मास्टर गौरी शंकर का दामन भी थामा और इस दौरान लोगों से कहा कि इलाके के विकास के लिए जात पात से उठकर वोट करें। इलाके में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, उन्हें चाहिए बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो। आलम तो यह है कि स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर भी नहीं है, स्कूल में पढ़ाने वाला कोई नहीं है, युवा भी बेरोजगार है। इलाका कुदरत हुसैन से मालामाल लेकिन पर्यटकों से वीरान। इन तमाम समस्याओं को हल करने के लिए लोगों के पास एक सुनहरा मौका है, उन्हें आज जात पात से उठकर इलाके के विकास के लिए वोट करना होगा। कहां इलाके की तकदीर व तस्वीर अब तभी बदल सकती है जब आम जनता जात पात से उठकर एक ईमानदार नेता और इलाके के विकास के लिए वोट करेंगे। कहा आज भी ऐसे नेता है जो इलाके में लोगों को जात पात पे बांटने का काम कर रहे हैं, यह इलाके के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, जबकि बनी इलाके को एक भाईचारे की मिसाल दी जाती है। उन्होंने कहा इलेक्शन तो चंद ही दिनों की बात है, इलेक्शन के दौरान इस तरह लोगों को जात पात में बांटना यह इंसानियत नहीं और वो नेता इलाके के लिए अच्छा रहबर नहीं बन सकता जो जात पात में बांट रहा है। अगर हम मास्टर गौरीशंकर की बात करें तो पिछले कई सालों से वह सामाजिक काम करते आ रहे हैं और आज बनी विधानसभा क्षेत्र के डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। हेलो मेरा नाम सूरज प्रकाश है और मैं बांजल से हूँ, मोड़ा गुदरू से हूँ और हम श्री मास्टर गौरीशंकर को बढ़ चढ़ कर हिस्सा देंगे और इसको कामयाब बनाएंगे कि ये एक ईमानदार और नेक शरीफ इंसान है और इसने बहुत सारे काम पहले ही कराए थे, इलेक्शन से पहले ही बहुत से काम करवाए थे। हमने बहुत से नेते देखे हैं, एमएलए देखे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आते हैं अपने अपनी भाषण करके चले जाते हैं, वोट मांगने आते हैं, उसके बाद 5 साल के बाद मिलते नहीं हैं। आज तक हमारे जो एमएलए आए थे बहुत वादे करके गए हैं, बड़े बड़े वादे करके गए हैं, कोई पानी का सोर्स दे के गया, कोई रोड का, कोई बिजली का, कुछ नहीं है हमारे। हमारे अभी गुदरू में देखो, गुदरू में देखो हर जगह में रोड पहुंच गया है, डंडी कुटू, डगर दमाण, रोड का दौड़ का, सिटी भंडार, लेकिन एक बांजल और जोड़ा मदर रोड नहीं पहुंचा। रोड का भी बोलते चला के साइड से आएगा, कभी बोलते पल्ली कशीड़ बांजल से आएगा, लेकिन हमें रोड के झूठे दलासे देते हैं और झूठ मूठ बोल के हमसे वोट मांगे जाते हैं इन्होंने। अब ऐसा नहीं होगा, अब हम सभी श्री गौरीशंकर को ही वोट देंगे और उनको कामयाब बनाएंगे। देखो हम तो सपोर्ट के साथ निकले हैं मास्टर गौरीशंकर की सपोर्ट करने के, जो सपोर्ट करने के निकला वो वोट भी जरूर करेंगे और करवाएंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी कोटी चंडियार से हमारी फुल सपोर्ट रहेगी, मान के चलो 70-80% के करीब। आप भारतवादी बनके देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो 63 बनी के विकास के लिए मास्टर गौरी शंकर आपके साथ हैं। उनका मिशन है कि वो आपकी हर छोटी बड़ी समस्या को समझें, समझाएं और उन्हें सॉल्व करें। श्री गुलाम नबी आजाद के साथ मिलकर हम 63 बनी को नई उड़ान देने के लिए कमिटेड हैं। अपना एक वोट मास्टर गौरी शंकर को दें और DPAP को सपोर्ट करें। इलेक्शन सिंबल है बाल्टी। अपनी लोकल वॉइस को मजबूत बनाने के लिए और एक बेहतर भविष्य की तरफ कदम बढ़ाने के लिए मास्टर गौरी शंकर को वोट करें। हमें आपके विकास का संकल्प है। मिलकर हम 63 बनी को एक नए रंग में घोलेंगे और एक समृद्ध भविष्य की तरफ लेकर जाएंगे। तो आइए सब मिलकर एकजुट होकर वोट कीजिए मास्टर गौरी शंकर को, ताकि हमें कभी पीछे मुड़कर ना देखना पड़े।
तो अब हम बनी वासी बनी को पावन धाम बनाएंगे बाल्टी सिंबल को जिताकर।